मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी। लर्निंग आउटकम यही है इस ट्रेनिंग का कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप करना कि वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक इंडिविजुअल का। सो स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसमें स्किल्स हैं, स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है, और एक स्टूडेंट की लाइफ में या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक स्किल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए EMC एक स्टेप है टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। EMC इज नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट इंकल्केटिंग योर इनर स्किल्स, इनर कैपेबिलिटीज, जो आपको रियल लाइफ में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए ये सारी कैपेबिलिटीज़ जो EMC में आपको सिखाई जाती हैं, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये आपकी लाइफ में हर स्टेज पर काम आने वाला है। बेसिकली माइंडसेट का काफ़ी चेंज होगा। जो टीचर्स अभी EMC को एज बर्डन ले रहे थे, उनकी क्योंकि खुद की समझ पूरी तरीके से नहीं बनी थी, अब जब वो जाएंगे तो पूरी समझ के साथ में बच्चों के साथ में बात करेंगे, और बहुत ही अच्छे से वो कन्विंस कर पाएंगे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। मेरी ये फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग है और मुझे EMC सब्जेक्ट दिया गया था, तो मैं ये सोचती थी कि ये क्या है। बुक से भी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाई थी बुक से, सेल्फ स्टडी से। तो इस ट्रेनिंग के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बच्चों को और अच्छे से करा पाऊँगी EMC। ये पता चलेगा उनको कि हमारे अंदर सोचने की बहुत शक्ति है। ये पहली बार है जब हम ऑफलाइन कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी बात कर रहे हैं। तो ये EMC ट्रेनिंग जो हमने पुराने समय में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको भी हम विटनेस किया है, और उससे जो हमें लर्निंग लेसन्स मिले हैं उसको भी हमने इसमें काफ़ी मॉडिफाई किया है अपने मॉडल में।